अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब पहले की तरह बिल्कुल पहले जैसे होंगे। आज का गेम बनाया है मेरी बॉस ने, तो उनसे ही पूछते हैं। जी बॉस, आज का गेम है एनाग्राम। एनाग्राम? व्हाट एनाग्राम? एनाग्राम होता है एक कोई भी वर्ड दिया जाता है, इंग्लिश में कोई भी वर्ड देगा, हुसैन हमारा वो है जज और होस्ट। अच्छा भाई, गंजा होस्ट, सुन रहे हो आप? यस। समझ में आ रहा है आपको? यस। आप तो बैक बेंचर हो। समझ जाते हैं, लेकिन बैक बेंचर सबसे ज्यादा जल्दी समझते हैं। कुछ भी। तो हुसैन हमें कोई भी एक वर्ड देगा और हमें उस वर्ड से और ज्यादा वर्ड्स बनाने होंगे, मतलब उसके लेटर्स जो है वो रीअरेंज करके उससे डिफरेंट वर्ड्स बनाने होंगे। तो जो जितने ज्यादा वर्ड्स बनाएगा वो जीत जाएगा। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे कबर्ड, ठीक है। अब इससे मैंने आगे वर्ड्स बना के दिखा दिए। सही है। अच्छा, यानी एक भी कोई भी आपको अल्फाबेट चूज करना है, उसका आपको पूरा वर्ड बनाना है। मैं ये पूछ रहा हूँ बॉस के, जैसे कबर्ड में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ अल्फाबेट आए, तो 8 के 8 के आपको वर्ड लिखना है। 8 के 8, लेकिन जरूरी नहीं है कि 8 ही वर्ड रीअरेंज हो, आप उसमें से कोई भी वर्ड कोई भी अल्फाबेट रीअरेंज कर सकते हैं। मीन जैसे मैंने ये 8 के 8 नहीं यूज किए हुए, सिर्फ ये 3 कब हो गया। सही है। बोर्ड और ओ और आर, मतलब आगे पीछे भी रीअरेंज हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, लेकिन आपको करने 8 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो लिखे हुए तुमने यार। मैंने एग्जांपल में 8 लिखे हैं। मैं बोल रहा हूँ जो जितने ज्यादा वर्ड्स बनाएगा वर्ड्स है वो जीत जाएगा। अच्छा, कबर्ड में देखो कप आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, अपना और आ रहा है, अपना कोड आ रहा है। कोड को क्या बोलते हैं उर्दू में? अभी आप आगे देखें और गेम खेल लें पहले, बाद में इसको मैं आपके मतलब मैं सारे बातें बताते रहूंगी। नहीं भाई, मुझे अभी पता करना है। अभी यार टाइम नहीं है, बहुत देर हो रही है। कहाँ से देर हो रही है? भाई टाइम क्या हो गया, दिखाओ भाई। रात के, रात का 1 बज गया भाई। यार अब क्या करें, टाइम इस टाइम मिल रहा है, अब क्या करें। हम अपनी घर की शिफ्टिंग में लगे हैं, उधर ही होते ज्यादातर, सबको वहाँ पर जाना पड़ता है और सेटिंग करनी पड़ती है। तो भाई तुम लोग रेडी हो? फरिया तुम भी हुसैन के साथ हो, ठीक है? गेम तो मैंने समझ लिया है, बैक बेंचर। यस, सही है। अब देखते हैं इस गेम में कौन जीतता है। आज है पड़ाकू गेम, माइंड गेम और मेरी बॉस का फालतू कोई गेम। फालतू नॉलेज वाला गेम है, आपके लिए फालतू ही हुआ। नहीं यार, नॉलेज मिल जाएगी थोड़ी सी अगर, तो क्या बात है। अच्छा, कोई मसला नहीं है। फरिया भी जज है, तो फरिया और हुसैन दोनों में से कोई भी वर्ड दे सकते हैं। 3 वर्ड देने होंगे हमें। अच्छा, यानी 3 राउंड होंगे टोटल। हाँ, 3 राउंड होंगे, मतलब बेस्ट ऑफ 3 होगा। और एक वर्ड का 1 मिनट मिलेगा, मतलब 1 मिनट में हम जितने ज्यादा वर्ड्स बना सकते हैं उतने हमें बनाने हैं। ओके, 1 मिनट में, यानी उसके 100 वर्ड क्यों ना निकल जाए वो आपको लिखना है। समझ गया। मेरे ख्याल से तो आप सबको भी गेम समझ में आ गया होगा। अब देखना यह है कि हस्बैंड और वाइफ में से कौन जीतता है। आज है मुकाबला हस्बैंड और वाइफ का। तुझे क्या लगता है? हाँ मेरे दोस्त, कौन जीतेगा? मैं तो आपके साथ हूँ बैक बेंचर, लेकिन मुझे लग रहा है फर्स्ट पोजीशन होल्डर जीत जाएंगे। यार तू मुझे क्यों बैक बेंचर बना रहा है? अपने साथ नहीं बिठा, मैं सबसे आगे बैठता था, तुझे पता है सबसे आगे बैठते थे। हाँ ना, लड़कियों में। तो आज यार मैं आप सबका वेलकम नहीं करता, आप सब मेरा वेलकम करो कि शाज भाई थैंक यू, आप वापस से अपने चैनल पर बैक आ गए। फिर भी मैं आप सबका यार वेलकम तो करता हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट का बताना चाहता हूँ जहाँ पर आप अपनी पसंद का स्पोर्ट्स देख सकते हो और बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो। ये प्लेटफॉर्म ढेर सारे इजी विड्रॉल और डिपॉजिट मेथड को सपोर्ट करता है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि T20 सीरीज चल रही है, तो इस बार आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? तो अभी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो और लाइव देखो अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 18 सितंबर को। लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, और मेरा प्रोमो कोड SHAZ1X करना मत भूलना, क्योंकि इससे मिलने वाला है आपको 60,000 PKR का बोनस अपने पहले डिपॉजिट। अच्छा जजेस लोग, आप लोग मेरी एक बात समझ लो। ये देखो मैंने आपके लिए बना दिया है चार्ट। ये रहा युसरा का पॉइंट टेबल और ये रहा मेरा पॉइंट टेबल। राउंड 1 में युसरा के जितने पॉइंट हुए हुसैन तू लिख दियो, ठीक है? ओके। और मेरे जितने हुए तो वो भी लिख दियो। उसके स्केल बढ़ेगा पार्ट। हाँ हाथ आके कर ये हाथों पे ऐसे बढ़ेगा। अबे क्या कर रहा है? नहीं कर यार, थोड़ा सा रैम खा लियो मुझ पे यार। नहीं भाई, रैम खाने का नहीं है, जज है रैम। ये टोटल पॉइंट फिर आपको यहाँ पर नीचे लिखना, ठीक है? ओके। स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो बच्चों पढ़ो। ए ए बी बी सी सी जेड जेड। नहीं ये नहीं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। पढ़ो। ठीक है ठीक है। एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। चलो बच्चा पढ़ो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे?
वर्ड दे दे फटाफट दे वर्ड। फर्स्ट वर्ड है आप लोग का टीचर। टीचर अच्छा स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अगर स्पेलिंग आगे पीछे हुई तो वो वर्ड काउंट। यार हमने एक चीज तो करी नहीं, इसमें टाइमर तो लगाया ही नहीं। एक मिनट ना, तो अभी हमने लिखना तो। अबे जज लोग क्या कर रहे हो तुम लोग, टाइमर तो लगाओ। एक मिनट का टाइम होगा, एक मिनट में देखते हैं किसने किसने ज्यादा वर्ड लिखे। सही है, तो भाई आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है नाउ। स्टार्ट, अब देखते हैं कौन कितने वर्ड्स बनाता है। टीचर से देखते हैं अभी ये क्या क्या बनाते हैं। काफी सारे बन सकते हैं क्योंकि ये गेम मैं खेल चुकी हूँ पहले भी बहुत। अच्छा, वो भाई, ओ भाई, ये तो फुल लगे हुए। कौन बता बे कौन जीतेगा? मुझे जहाँ तक लगता है वो युष्ठा भी जीत देंगी क्योंकि वही जीत सकती हैं इस गेम में। हाँ। बना बनाओ भाई, 40 सेकंड्स रहते हैं। कितना रहता है? 35 सेकंड रहते हैं अब तो। बनाओ 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 बनाओ, शाबाश। मेरे भैया तो चौथे पे रुक गया है। भैया बहुत सारे बनते, सोचो, दिमाग लड़ाओ। दिमाग किधर है आपका? किधर है दिमाग? येरा येरा दिमाग येरा। वाह, इसका भी तो सारे बना दिए हैं। कितने बना दिए? अभी देखते हम। टाइम कितना बकाया है? 10 सेकंड। गिन 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 गिन। 8 6 5 4 3 2 1 स्टॉप 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 स्टॉप। ये तो मैं जीत गई। स्टॉप स्टॉप। क्या बनाया भाई? बनाया क्या है? पहले मेरा देखो भाई, पहले मेरा देखो। ये लो मार्कर। चार वर्ड सिर्फ आपने। टी से सही, एयर भी सही है, हर भी सही है, टाइटन। एन कहाँ है? आई कहाँ है? ये क्या है? अबे गलत लिख दिया क्या मैंने? ये आप गलत है, आपके सिर्फ 3 है। आप भैया के पॉइंट है 3। अब ये सभी चेक करते हैं। चलो भाई। ओए वाह, ओए इतने सारे वर्ड बनते हैं भैया, ये देखो जरा आप। ओए भाई, ये भी सही है, ये भी सही है। ईट एट हर। हंसी आ रही है मुझे तो देखकर। इतने वर्ड्स तो मैंने भी नहीं बनाए थे। पढ़ के तो बताओ क्या क्या लिखा है। लिखा है टी टी चीट एट हर एक रैट कैट एक्ट हैट ईच हीट रिच कार एयर। भाई इतने सारे वर्ड बना दिए, सभी सही है यार। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सोलह और यहाँ 3 पॉइंट। उधर लिखो 16 एंड 3। बेस्ट ऑफ 3 नहीं, टोटल 3 ही गेम होंगे। 3 में से देखा जाएगा किसके पॉइंट ज्यादा है। हो सकता है दूसरे में मेरे ज्यादा हो जाए। भाई मैं तो बोल रहा हूँ अभी से हार मान लो। क्यों मान लो? चलो भाई मिटाते हैं, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट राउंड। टाइमर ये रहा, टाइमर ये रहा। टाइम स्टार्ट कर दो। का वर्ड है फर्नीचर। टाइम स्टार्ट कर दो। फर्नीचर बड़ा अच्छा वर्ड है, इसके बहुत ज्यादा बन सकते हैं। हाँ मुझे तो लग रहा है फंस जाएगा बंदा ये वाला। फर्नीचर के तो जब यहाँ 16 बने तो 100 बन जाएंगे अब। ओए 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 ओए, ये तो अटक गया, पहले भी अटक गया है ये तो। मुझे दिख रहा है ये बैकबेंचर बच्चा तो मुझे दिख रहा है। वहाँ तो भाई चले ही पे चले जा रहा है। इतने सारे बच्चे हैं। कितने? 35 सेकंड। 35 30 बचे अब तो। दिखाओ भैया कितने बनाए। कितने बना लिए? अभी मुझे लग रहा है फिर हार गया ये लड़का। फिर हार गया ये भयारेगा भैया, ये लड़का फिर इसी स्केल से पिटेगा आज। अरे मैं क्यों अटक रही हूँ? बनाया बनाया। कितना होगा? ओए टाइम 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बस। चलो भाई, मैंने सबसे पहला लिखा है फर्नीचर का फन। यस, टिक मार्क तो करो, टिक मार्क तो करो जज। फन सही है मेरा, ट्रू सही है मेरा, रन सही है मेरा, ये क्या लिखा? नट 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 भी सही है मेरा, और ये क्या है? यूरिन। यूरिन, वाओ व्हाट, ये कैसा वर्ड है? अच्छा अच्छा वर्ड है, इस पे आ रहा है ना। हाँ तुमने कितने लिखे? फिर भी आपसे ज्यादा है। ये यूसरा के, ये सबसे पहले क्या है? फर। ट्रू क्या हो गया? 30 मिनट का टाइम नहीं है, 1 मिनट का टाइम है। मैंने छोटे छोटे भाई, आप भी ऐसे ही वर्ड बनाओ, तीन तीन उसके अल्फाबेट के। यार अब जो समझ में आएगा वही तो लिखूंगा मैं। आप समझ नहीं आ रहा मुझे लग रहा है, आपको गेम समझ नहीं आया। गेम समझ गया हूँ मैं,
बस वो थोड़ा सा ढूंढने में मुझे मुश्किल हो रही है। आप भी ऐसे बनाओ इफ इट इट हर पर। अबे तो कोई वो वाला वर्ड भी तो दे। यही देखें इसमें से कितनी आसानी से निकलते हैं। देखते हैं तीसरे राउंड में मैं क्या करूं। आप लोग बताओ 100 वर्ड में लिखूं, 200 वर्ड लिखूं, 300 लिखूं, 1000 लिख दो आप। मैं बोल रहा हूं 10 ही लिख दो काफी हैं। ये आप लोग का है लास्ट राउंड। लास्ट है ना। हाँ, लास्ट। टाइम भी स्टार्ट करियो सही है। चलो पहले वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा हार्ड वर्ड है। हार्ड है बहुत ज्यादा बन सकते हैं। बहुत ज्यादा बन सकते हैं मुझे लगता है। कितने कितने स्पेल का है? ज्यादा है थोड़ा है। आप लोग का लास्ट वर्ड है कीबोर्ड। योर टाइम स्टार्ट्स। चलो स्टार्ट हो गया भाई। टाइम इसके बहुत सारे बन सकते हैं। कीबोर्ड। चल चल मेरा भाई है। हाथ चलाओ हाथ 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 चलाओ मेरा भाई। अरे ये तो दूसरे बार डग गए तुम। दिख रहा है मुझे यहाँ से। बनाओ, क्या हो गया दिमाग में? क्या भरा हुआ भूसा साला। अरे यहाँ तो बहुत तेजी से हाथ चल रहा है। रुक रहे यहाँ चलते जा रहे हैं। चलते जा रहे हैं ना यहाँ पर। मुझे लगता है कि इस बार भी ईर्ष्या भी जीतेंगे। भैया तुम खेलने क्यों आए हो भाई? मुझे लग रहा है बच्चा बैठना है क्लास में। ओए टाइम कितना है? 15 सेकंड बाकी है। जल्दी भैया जल्दी। अबे क्या हो गया? चौथे पे अटक गए। 10, 9, 8 बी से क्या लिखा है तुमने? बी से क्या लिखा है? 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जीत गई। ये क्या कर रहा है? एक सेकंड काउंट तो करो। काउंट तो करो कितने लिखा क्या है। सबर एक सेकंड ये तो देखने दो। ओए आजा भाई। ये क्या है? एट तो बनता भी नहीं है। नहीं ऐसे ऐसे बन रहा है एट ए ना। सबर हम काउंट कर लेते हैं फिर उठाते हैं एंड में। ये सही है। ये भी सही है। ए से बन रहा है ना। नहीं लेकिन डी एक ही तो एक ही है। क्या मसला हुआ? क्या मसला हुआ? क्या बात है सर? ये बी है भाई, साफ से लिखा हुआ है। भाई आप जाके फटाफट अपना चश्मा चेंज करो। नहीं नहीं अब वाकई एडमिशन की जरूरत है। गजब बेइज्जती है। अब इधर क्या क्या है? इधर मैं काउंट करता हूँ। देख ये राइट है की दिखा ना। ये ये की सही है भाई। बोट सही है भाई। और सही है भाई। ओके सही है भाई। बैट सही है भाई। बैट सही है भाई। हैं दो दफा बैट क्यों लिख दिया? दो होते हैं भाई। अच्छा रोब रोब सही है भाई। डेयर सही है भाई। एयर सही है भाई। और सही है भाई। ओक कोई वर्ड है? ओक। अच्छा ये भी सही है। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 लिख भाई। 10 और 2 लिख दे। एक मिनट 5000 10000 लिख 10000 फटाफट। मैं लिखती हूँ। लिख दे सही है। या आपके 2 है काउंट करेंगे ना अभी हम। चलो यार लिख दे। काउंट तो ये वाले ऐसे हो जाएंगे। ये देख 2, 5, 7, 7, 3, 10 लेकिन ना 10 तो लिख यार। उसके आगे भले जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा दे। फरिया बढ़ा दे बढ़ा दे। इसके पीछे बढ़ाऊंगी जीरो। और वहां पर कितने पॉइंट हुए दूसरे की तरफ? गिन 35 के आगे मैं लगा सकती हूँ जीरो। और एक मिनट इधर तो आए विनिंग प्राइज। वो तो आपने बताया ही नहीं था। हाँ भाई जीतने भाई विनिंग प्राइज किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। लेकिन होता अगर है। गेम में कोई मुझसे हाँ। विनिंग प्राइज ना पूछे तो विनिंग प्राइज उस गेम का होगा ही नहीं कुछ भी। ये वैसे आपने चलाकी करी है। पूछा ही नहीं तो देना भी मत। नहीं देना ना भाई। हाँ। बस ना खत्म। ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई। ऐसा ही हो रहा है भाई। जज आप लोग बताओ भाई। अगर मैं बताता शुरू में कि जीतने वाले को इतने पैसे मिलेंगे इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो होते ना भाई पैसे। बताओ ना जज आप लोग बताओ। आप लोग फैसला करो क्या बोलते हैं आप। मिलने चाहिए भाई। गेम इज गेम। नहीं मैं तो बोलता हूँ नहीं मिलने चाहिए क्योंकि पूछा ही नहीं। अगर नहीं मिले तो मैं नेक्स्ट गेम में आपके साथ नहीं। भाई देखो देखो यहाँ पर हो गया घपला। हाँ अब इस घपले को मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक जज बोल रहा है कि देने चाहिए एक जज बोल रहा है कि नहीं देने चाहिए तो इन दोनों का हेड टेल्स करवा लेते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ ये सही है। हेड टेल्स करवा लेते हैं। अगर एक मिनट अब तुम डिसाइड करो कि किसको जीतना है। मुझे नहीं दिया तो
मैं जीती हूँ लेकिन मुझे चाहिए तो चाहिए यार, एक दफा ये चांस भी तो देख लो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कैश दे मुझे कुछ, लेकिन गिफ्ट चाहिए मुझे, विनिंग प्राइज चाहिए। अरे यार जज क्या कर रहे हैं बताओ ना। विनिंग प्राइज एक काम करो ना, आप एक ट्रॉफी ले आना कल और वो दे देना। अरे हाँ ना, कल नहीं अभी अभी चाहिए। यार बड़ा मसला हो गया यार ये तो, गेम शुरू होने से पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। लेकिन चलो मैं आप लोग को दे देता हूँ आपके जितने पे, आप लोगों को नहीं, जज को कोई पैसे नहीं मिलने, सिर्फ जीतने वाले को मिलने हैं। भाई जज ने जजगिरी भी तो करी है, जज स्टैंड निकाल के आए भाई गेम में। अबे कोई जजगिरी वीरी नहीं चलेगी यहाँ पर, तो स्कूल जाना है तो हम क्या करें भाई। आपके लिए हमारे गेम खेलना, दो हमें भी कुछ, कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, मिलना चाहिए यार। तो हमारी बॉस को मिलने वाले हैं जी पूरे के पूरे 15,000, पूरे के पूरे 20,000, पूरे के पूरे पॉइंट के हिसाब से 35 पॉइंट है तो 35 रुपए मिलने चाहिए। वेरी गुड जज, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाँ फिर इनके हिस्से में भी उतने ही जाएंगे ना, जो मेरे पास आएंगे उसी में से जाएंगे। यार दोनों को उसमें से 5-5 रुपए दे देना, मैं तो बोल रहा हूँ। ये तो गलत बात होगी, 35,000 मिलेंगे तो दोनों को 10,000 तो मिल जाएंगे। अब 35,000 वाला गेम तो नहीं था ये, जो मैं 35,000 दे दूँ। 35,000 मैं आपको दूंगा पूरे के पूरे 3,000 रुपए, सही है भाई? 3,000, 3,500। अरे नहीं नहीं अब अपनी तरफ से नहीं बढ़ाओ, गिफ्ट आपको मिल रहा है 3,000, इनफ। ये लीजिए बॉस साहिबा आपका विनिंग प्राइस। अरे हजार हजार क्यों दे रही हो, हजार हजार क्यों दे रही हो, 500 देने। अबे ये क्या हो गया भाई, हजार हजार मिल गए जजों को भाई, वाह जैसी पैसे मिले वैसी। लाफ कल मिलते हैं भाई जान। सो गाइस आज का गेम खेलने में भी यार बहुत मजा आया, ये था आज का हमारे लिए माइंड गेम। ऐसे गेम खेलते खेलते यार मेरा माइंड जो है वो तेज हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। वैसे तो सब आता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ कुछ नहीं आता, तो ये हमारी जो बॉस है ये माइंड गेम लाके मेरा माइंड तेज कर देंगी। ट्यूशन खोला है मैंने इस चीज का। और एक बात भाई, अगर आप लोग चाहते हैं हस्बैंड और वाइफ का लूडो चैलेंज होना चाहिए, तो फटाफट से कर दो इस वीडियो पर 2,000 कमेंट। अगर आप लोगों ने 2,000 कमेंट पे ये बोला कि यस लूडो चैलेंज होना चाहिए, तो अगले दिन ही होगा। और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो यार, लाइक करे बगैर वीडियो बंद मत करना। इस वीडियो पे होने चाहिए अपना 20,000 लाइक, 20,000 लाइक हो गए, 2,000 कमेंट हो गए, तो हम अगले दिन करेंगे इंशाल्लाह भाई लूडो चैलेंज। वैसे मेरी किस्मत तो अच्छी है, लूडो तो मैं जीतूंगा पहली फुर्सत में निकल। ओके ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।